नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक लेडी में। दोस्तों आज फिर से एक बार हम मौजूद है एसके इंजीनियर्स यूपी बरेली में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्विन वन एसएस पल्वराइजिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन में आप गेहूं, बेसन, विभिन्न प्रकार के मसाले, जड़ी बूटियां आदि पीस सकते हैं और इस मशीन को आप कम से कम जगह में लाकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं शिल्पी से आपका स्वागत हूँ टेक लेडी में। तो चलिए आप कुछ नया सीखते हैं। हेलो सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक लेडी में। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना और अपनी कंपनी का परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, हमारी कंपनी का नाम है एसके इंजीनियर्स जो कि बरेली यूपी में स्थित है और हमारा जो वर्क है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। हम सभी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मशीनरी सप्लाई करते हैं। तो चलिए सर, सर आप हमारे दर्शकों को कौन सी मशीन दिखाने जा रहे हैं, जो भी मशीन दिखाने जा रहे हैं उस मशीन की जानकारी दीजिए। जी, मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आज आपको मशीन दिखाने वाला हूँ। टू इन वन एसएस पल्वराइजर कहलाता है। जो मैं आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ ये मल्टीपर्पस एसएस पल्वराइजर है जिसमें आप हर तरह के आइटम को ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका बेसन हो गया, आटा हो गया या मसाले हो गए, ऑल टाइप प्रोडक्ट आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कोई फार्मेसी का काम कर रहे हैं जिसमें आपको आयुर्वेदिक वाली जो जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ होती हैं वो आपको ग्राइंड करना है तो इसमें आसानी से ग्राइंड हो जाती हैं। और भी तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए सर, आप मुझे ये बताइए इस मशीन को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है और इस मशीन को लगाने में कितनी जगह की आवश्यकता होती है। मैम देखिए, अगर ये मशीन आप कहीं लगाते हैं तो इसको लगाने के लिए आपको कोई ज्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती है। ये 10x10 के रूम में लग सकता है और इस मशीन को, इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी कर सकता है, या महिला हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, स्टूडेंट वगैरह सभी इस मशीन को लगा सकते हैं। और आपका एक सवाल था कि इस मशीन को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, किस जगह यूज किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो बिजनेस करने के लिए तो है ही, उसके अलावा अपने पर्सनल यूज में भी इसे ले सकते हैं। जैसे अगर कोई आप होटल चला रहे हैं, अपने जो होटल में आप खाना बनाते हैं उसमें आप अपना प्योर मसाला लगाना चाहते हैं, प्योर मसाले डालना चाहते हैं, तो अपने मसाले खुद के ग्राइंड करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। बाकी इसका जो यूज होता है और भी तरह के, जैसे गुरुद्वारे वगैरह हो गए वहाँ पे बड़े लार्ज लेवल पे खाना बनता है तो वहाँ मसालों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि प्योर मसाले आपको चाहिए अपने खाने में डालने के लिए तो अपने खुद के मसाले आप ग्राइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ओके सर, मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, इस मशीन को अगर हमारा कोई दर्शक खरीदे तो इस मशीन की बिजली खपत कितनी होगी। मैम देखिए, इसके हमारे पास कई तरह के मॉडल हैं। ये 2 HP की मोटर से स्टार्ट होती है और 5 HP मोटर तक हमारे पास ये अवेलेबल है। 2 HP की मोटर और 3 HP की मोटर पे आप ये सिंगल फेस पे भी चला सकते हैं। बाकी हमारे पास 5 HP में भी अवेलेबल है सिंगल फेस में, और 3 फेस लेना चाहते हैं तो 3 फेस में भी अवेलेबल है। इसकी जो है बहुत बड़ी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, 2 HP से लेकर 5 HP तक सिंगल फेस, 3 फेस सभी मॉडल हमारे यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। तो सर ये घरेलू लाइट में भी चल सकती है। जी, इसको घरेलू लाइट से भी चला सकते हैं। घर का कनेक्शन होता है, आपको मालूम है कि 2 kW का होता है। अगर आप 2 HP 3 HP की मशीन लगा रहे हैं तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर इसका प्राइस क्या होगा? अगर आप इसकी मशीन की प्राइस की बात करें तो ये प्राइस, हमारे पास प्राइस रेंज जो स्टार्ट है इसकी वो 20,000 रुपए से स्टार्ट है, बाकी 50,000-60,000 रुपए तक की मशीन हमारे पास अवेलेबल है मॉडल के हिसाब से। सर अगर हमारे को दर्शक एक मशीन मंगाना चाहे तो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता है? देखिए मैम, सिंपली है, आपके स्क्रीन पे हमारा जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमारे जो कस्टमर केयर अधिकारी, यानी कि कस्टमर केयर अधिकारी जो है वो आपसे बात करेंगे। आप उनसे बात करके अपनी मशीन को बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमारे पास ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, और आप चाहें तो हमारी कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। हमारी कंपनी विजिट करने के लिए आपको बरेली आना होगा, तो आप हमारे बरेली आकर, आप रेलवे स्टेशन आते हैं या बस स्टैंड आते हैं, कहीं भी आप आते हैं तो आप हमारे वहाँ से आकर हमारे कस्टमर केयर अधिकारी को कॉल कीजिएगा, वो आपसे बात करेंगे, आपको पूरा पता बताएंगे, आपको पहुँचने में आसानी हो जाएगी। और आपको जो है, हमारा जो काम है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, सभी मशीनें हमारी ऑल ओवर इंडिया जाती हैं। बाकी अगर कोई आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक कराएंगे तो हमारे कस्टमर अधिकारी से बात करके ऑनलाइन बुक करा सकते हैं और मशीन आपको बाई ट्रांसपोर्ट आपके घर घर बैठे पहुंचा दी जाएगी। अगर दोस्तों आप लोग कहीं भी हैं, इंडिया से बाहर भी हैं, अगर नेपाल में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, भूटान में रहते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी मशीनों को डील करते हैं। ऑलरेडी हम अपनी मशीनों को डील कर चुके हैं साउथ अफ्रीका, बाकी और भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम काफी मशीनों में डील कर चुके हैं। तो चलिए सर, आप हमारे दर्शकों को इस मशीन का लाइव डेमो करके दिखाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ और आपको मशीन का लाइव वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से मशीन पीसती है प्रोडक्ट आपका। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इसमें बेसन पीस करके, बेसन को किस तरह से इसमें ग्राइंड किया जाता है। तो आइए चलते हैं मशीन के वीडियो की तरफ।
तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मशीन में आज बेसन पीस के दिखाने वाला हूँ। आप लाइव देख सकते हैं कि इस मशीन में बेसन किस तरह से ग्राइंड किया जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि बेसन के पीसने के लिए हमने दाल को इस हॉपर में डाल दिया है। उसके अलावा एक हॉपर इसमें और दे रखा हुआ है। ये हॉपर जो है इसमें आप कोई बड़ा प्रोडक्ट होता है जैसे हल्दी है या जड़ी बूटी है वो इस हॉपर में से डाल के आप ग्राइंड कर सकते हैं। कोई आपका बारीक आइटम है जैसे दाल हो गई गेहूँ हो गया तो आप इस हॉपर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ से ये हॉपर दे रखा हुआ है, आप चाहें तो दोनों तरफ किसी भी साइज में आप वो डालकर मटेरियल ग्राइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इसमें किस तरह से बेसन को हमने ग्राइंड किया है इसमें चने की दाल डालकर। इसमें दो तरह के हॉपर दे रखे हुए हैं, आप चाहें तो किसी भी हॉपर से मटेरियल डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो सामने वाला हॉपर आप देख रहे हैं ये हॉपर जो है आपको आसानी दे देता है जैसे कि जड़ी बूटियाँ हैं या हल्दी वगैरह है उसको ग्राइंड करने के लिए। बाकी ये हॉपर जो दे रखा है इसमें आप गेहूँ दाल जो बारीक आइटम जितना भी होता है वो आप इसमें डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये बेसन जो है कितनी अच्छी क्वालिटी में ग्राइंड हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी कितनी फाइन क्वालिटी में ये बेसन ग्राइंड हुआ है। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट आप ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी में इसमें ग्राइंड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बस की हमारे कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं पीछे दिए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको फुल जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही हमारे इस वीडियो अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।